न्यूजीलैंड के बैट्समैनों ने आज एक बार फिर से कहना पड़ रहा है, मैं भी नहीं चाहता ये कहना, लेकिन आज कहना पड़ रहा है कि नेपाल के जो बॉलर्स थे उनके छक्के हैं वो छुड़ा दिए, उनको धूल है वो यहाँ पर चटा दी न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने, न्यूजीलैंड के बैट्समैनों ने। तो किस प्रकार से रहा और कितने रन हैं वो, किस बॉलर्स ने कितने रन खाए और कौन सा बेस्ट प्लेयर रहा न्यूजीलैंड का और कौन सा बेस्ट बॉलर रहा यहाँ पर नेपाल का, नेपाल के और न्यूजीलैंड की पारी के अंदर न्यूजीलैंड है वो 302 रन 8 विकेट और 50 ओवर के अंदर अपना खेल समाप्त कर चुका है। अब बारी होगी नेपाल की। तो नेपाल की अगर पिछले हाफ मैच की बात करें तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले रहे स्नेहित रेड्डी, जिन्होंने 125 बॉलों के अंदर 147 रन बनाए, जिसके अंदर 11 चौके और 6 छक्के लगाए। और शायद ही आज नेपाल का कोई भी बैट्समैन ऐसा और इतना बड़ा स्कोर है वो गेन कर पाएगा। और दूसरे नंबर पर रहे ओस्कार जैक्सन, कैप्टन हैं और 81 बॉलों के अंदर 75 रन बनाए, जिसके अंदर 3 छक्के और 5 चौके भी शामिल है। आज इस प्रकार से कह सकते हैं, मैं भी तारीफ नहीं करना चाहता न्यूजीलैंड की, लेकिन करनी पड़ रही है क्योंकि काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी है वो यहाँ पर दिखाई है न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने। जब स्नेहित रेड्डी स्टार्टिंग में आए थे तब काफ़ी डिप्रेशन में चली गई थी टीमें, और ओस्कार जैक्सन जो है वो यहाँ पर बैटिंग कर रहे थे, उसके बाद आते हैं स्नेहित रेड्डी और इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन है जो है वो पारी जो है वो काफ़ी बेहतरीन रही और इन दोनों ने मिलकर काफ़ी अच्छे रन है वो गेन किए, काफ़ी हद तक काफ़ी बड़ा स्कोर है वो यहाँ पर नेपाल के सामने खड़ा किया। और ओस्कर जैक्सन जो है वो तो आउट हो गए ए त्रिपाठी के द्वारा, लेकिन स्नेहित रेड्डी है वो आउट नहीं हुए और इसका भुगतान है वो यहाँ पर नेपाल को करना पड़ेगा। अगर बात करें बॉलर्स की, गुलशन झा की बात करें तो उन्होंने मात्र 2 विकेट लिए, जिसके अंदर 10 ओवर के अंदर उन्होंने 61 रन है वो गंवाए हैं और इस भरपाई जो है वो गुलशन झा को यहां पर करनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा रन आज गुलशन झा ने दिए हैं और विकेट भी कोई ज्यादा नहीं लिए हैं, क्योंकि सुभाष भंडारे ने यहां पर 3 विकेट लिए हैं 10 ओवर के अंदर और 60 रन के नुकसान पर। आकाश चंद की बात करें तो यहां पर 52 रन के नुकसान पर विकेट एक भी नहीं लिया 8 ओवर के अंदर, और दीपेश खंडेल की बात करें तो 7 ओवर के अंदर 43 रन के नुकसान पर एक विकेट हासिल किया है। तिलक भंडारी ने 10 ओवर के अंदर 50 रन दिए और एक विकेट अपने नाम किया। आकाश त्रिपाठी ने 4 ओवर के अंदर 27 रन दिए और एक विकेट है वो यहां पर अपने नाम किया। अगर बात करते हैं गुलशन झा की बॉलिंग की, तो यहाँ पर गुलशन झा काफ़ी अच्छे फॉर्म में अंदर नजर आ रहे थे, उन्होंने 47वें ओवर के अंदर 2 विकेट है वो अपने नाम किए। पहला विकेट था लालचंद और स्कैटपोल का विकेट है, उन्होंने 42.2 ओवर के अंदर लिए, और 42.3 ओवर के अंदर गुलशन झा ने जैक क्यूमिंग का विकेट है वो अपने नाम किया। उनके लिए जो 42वां ओवर था वो काफ़ी वरदान साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने 2 बॉलों पर 2 विकेट है वो निकाल लिए थे वहाँ पर, और गुलशन झा की वहाँ पर वैल्यू है वो बढ़ गई थी। नेपाल के जो खिलाड़ी हैं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है वो नज़र आ रहा था उस टाइम, लेकिन उसके बाद गुलशन झा की बॉलिंग कोई काम नहीं आई, क्योंकि खेलने पिच पर है वो उतर चुके थे स्नेहित रेड्डी, और स्नेहित रेड्डी के उतरने के बाद गुलशन झा की बॉलिंग बहुत ही बेकार सी साबित हुई, क्योंकि गुलशन झा की बॉलिंग के ऊपर स्नेहित रेड्डी काफ़ी चौके छक्के की बारिश है वो गुलशन झा पर कर रहे थे। अगर बात करें हमें 46वें ओवर की, तो 46वें ओवर की पहली बॉल पर 0 रन आया और 46वें ओवर की दूसरी बॉल के ऊपर चौका है वो गुलशन झा के लगाया स्नेहित रेड्डी ने, तीसरी बॉल पर फिर से चौका लगाया स्नेहित रेड्डी ने, चौथी बॉल के ऊपर स्नेहित रेड्डी ने फिर से 2 रन गेन किए स्नेहित रेड्डी ने, पांचवीं बॉल के ऊपर गुलशन झा को 0 रन दिया, और गुलशन झा ने 6 बॉल पर 46वें ओवर की लास्ट बॉल पर स्नेहित रेड्डी ने यहाँ पर गुलशन झा का छक्का है वो लगाया। कुल 46वें ओवर के अंदर स्नेहित रेड्डी ने कुल 17 रन है वो यहाँ पर गेन किए और फिर से एक बार गुलशन झा को नाकामयाब साबित किया। तो आपको क्या लगता है, क्या ये मैच जीत पाएगा नेपाल या फिर नहीं, अपने विचार जो है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी बड़ी अपडेट आप तक मैं लाता रहता हूँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग नेपाल न्यूज़ के साथ।